आज का दिन तो अच्छा रहा। केनी जी, तुम्हें मालूम है कि शहर में बास्केटबॉल मैच होने वाला है? हाँ, मेरे पास उसकी टिकटें हैं। क्या तुम्हारे पास टिकटें हैं? अरे तुम्हारे पास तो सच में टिकटें हैं। तुम किसके साथ जाने वाली हो यूमिको? सोचा था कि तुम दोनों में से किसी एक के साथ मैच देखने जाऊंगी। मैंने कभी स्टेडियम में मैच नहीं देखा, मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज। और अगर तुम मुझे साथ ले जाओगी तो वहाँ ढेर सारे पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खाते हुए मैच देखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, एक टिकट तुम रख लो, एक तुम रख लो। तो मतलब यूमिको तुम नहीं जाओगी? हाँ, तुम्हारे बगैर क्या मजा। मैं कई बार स्टेडियम में मैच देख चुकी हूँ, इस बार तुम दोनों देख लो। अमारा के साथ? केनिची और मैं साथ जाए? क्या तुम्हें कोई परेशानी है अमारा? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं है ना केनिची, बोलो। फिर मैच के मजे लेना, बाय बाय यूमिको। तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारे लिए होम रन का बॉल जरूर लेकर आऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए निशाने के तौर पर होम रन का बॉल लेकर आऊंगा। केनिची जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें खेलने जाना है। आओ। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? किसी को मारना है। बेसबॉल मैच देखने जाना है और होम रन बॉल लाना है। शिशिमानु, ये छतरी क्यों साथ ले जा रहे हो? हाँ, इसका क्या काम? ये होम रन करने में मदद करेगी। रुक जाओ, मैं बॉल को घुमाऊंगा, खिलाड़ी होम रन करेगा। थैंक यू। ये इतना आसान नहीं है शिशिमानु। ये तो ऐसे तनकर चल रहा है जैसे मैच में होम रन इसी को करना है। दोनों टीम्स में से अभी तक कोई भी होम रन नहीं कर पाया है। बहुत अच्छे, जम कर खेलो और जल्दी से होम रन कर दो। इस किताब से मैंने जितना खेल को समझा है, ये दोनों टीम्स बहुत ही बकवास खेल रही हैं। चलो हमें कुछ करते हैं। ये हमारा होम रन के चक्कर में यहाँ से गया है, मैं देखता हूँ। केनिची, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। शुक्र है तुम्हें लगी नहीं, लेकिन तुम हमारा के पीछे क्यों जा रहे थे? हथौड़ी तुम नहीं जानते, वो होम रन के लिए जरूर कोई चाल चलने गया है। लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेगा केनिची? यूमिको, हमें उसे वापस जाकर होम रन का बॉल जो देना है। हद है, तुम दोनों भी एकदम पागल हो। अब सामने आ रहे हैं टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी। जोश भी लग रहा है। चलो चलो जल्दी से होम रन कर दो। आया होम रन का बॉल मेरे पास। छी, ये क्या हुआ? उसने तो बॉल पकड़ लिया, बकवास कहेगा। चलो संभालना। मैं उसे बचाता हूँ। डिंग 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 डिंग। तो तुमने बाल बाल बचा लिया। चलो जाओ, अब सब अपना अपना काम करो, समझ गए ना? हम तुम्हारा काम कर लेंगे केनिची। चलो चलो। हथौड़ी ना सही, लेकिन ये लोग होम रन करने में मेरी मदद करेंगे। पूरा दम लगा कर हवा देनी होगी, तभी होम रन होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो तैयार हैं। अरे ये बॉल तो काफी धीमी आ रही है। चलो पकड़े। डिंगिंग। तुम इस खेल में दखल मत दो। अरे अगर बॉल इसी रफ्तार में रहा ना तो कभी होम रन नहीं होने वाला, देखते रहना। मेरे होते हुए ऐसी बेईमानी नहीं कर सकते। होम रन क्यों रोक रहे हो हथौड़ी? हमारा खेल को हमेशा ईमानदारी से खेलना चाहिए। ओए बॉल आ रहा है, इस बार तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। लगता है ये नहीं मानने वाला, अभी रोकता हूँ उसे। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? आ, आ, अरे अरे ये बॉल इसमें कैसे आ गया? हालत
बिगाड़ दी। हालत खराब हो गई। पंखा हिलाते हिलाते थक गया। थक गए। केनेची, होम रन तो हुआ ही नहीं, अब क्या करोगे? मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, मैंने तो सोच लिया है कि क्या करना है। देखो मैं तुम्हारे लिए होमरन का बॉल लेकर आया हूँ। हाँ? केनिची तुम भी? कल मैच में एक भी होमरन नहीं हुई, फिर भी तुम लोग मेरे लिए होमरन बॉल ले आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। पर तुम्हें कैसे मालूम? मैं अखबार पढ़ती हूँ और उसमें मैच की सारी खबर साफ साफ लिखी थी। तुम दोनों झूठे हो। अरे युमिको, रुक जाओ। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। झूठा रॉब झाड़ने का यही अंजाम होता है दोस्तों। डिंग 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 डिंग। मेले की घंटियों की आवाज आ रही है, काश हम लोग भी मेले में जा पाते हैं ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग भी मेले में चले जाएंगे, लेकिन पहले जो नियम है वो पूरा करना होगा, पता है ना? वो क्या है? हम लोगों को पहले निंजा स्नान करना है। चलो चलते हैं। तुम सब यहाँ पर हो? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। हथौड़ी, चलो मेले में चलते हैं। हाँ जरूर चलेंगे केनिची, लेकिन पहले परंपरा के मुताबिक तुम नहा लो। हम इस नहाने को निंजा स्नान कहते हैं। यहाँ नहाना? ये क्या कर रहे हो तुम जिशी मानू? केनिची, आज के दिन बाहर नहाना जरूरी है। ये जरूरी होता होगा तुम्हारे लिए, मैं एक आम लड़का हूँ, तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर नहलाया है। देखो, चलो चलो चलो। हाँ देखो कितना अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ओ ये क्या है? अच्छू। अरे तुम्हें तो जुकाम हो गया। तुम्हें तो ठंडे पानी से नहलाया था, अब झूठ मूठ की सहानुभूति मत दिखाओ तुम। निंग निंग निंग, ये तो रिवाज है केनिची। केनिची, हाँ कैसे हो तुम? युमिको अच्छी लग रही हो। सच्ची अच्छी दिख रही हूँ ना? युमिको, तुम यहाँ मेले में देर तक रुकने वाली हो ना? हाँ, और हम सब मिलके बहुत मजे करेंगे। चुप रहो और मुझे ध्यान से खेलने दो। ये लो। हमारा तुमने तो कमाल कर दिया। ओहो युमिको, आओ ना तुम भी खेलो। लेकिन मुझे तो ये खेल आता ही नहीं। अरे बहुत आसान है, इससे पकड़ना है। क्या मैं इसमें मछली पकड़ पाऊंगी? क्यों नहीं पकड़ पाओगी, मैं हूँ ना सिखाने वाला। ध्यान लगाओ और ऐसे पकड़ना। अरे वाह, मैंने तो मछली पकड़ ली। क्या तुम केनिची को भी सिखाओगे? क्यों नहीं? नहीं नहीं, रहने दो केनिची, मैं कोशिश करता हूँ। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा साथ देने के लिए। अरे नाकाम हो गया, ये कोई आसान खेल नहीं है, इसे आसान खेल खेलने दो, इसे ये नहीं आएगा। हमें दो और जालिये देना प्लीज। ये लो। ये लो युमिको, एक तुम्हारे लिए, हम दोनों पकड़ेंगे। हाँ, मैं तो खेलूंगी। क्या तुम यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखोगे? केनिची, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चिंता मत करो। बातें बंद करो और कुछ करके दिखाओ। मैं खेल रहा हूँ, अब देखना। रुक जाओ शिंजो। शिंजो तुम मत खेलो, ये बच्चों की खेलने का खेल नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूँ। छोटा मत करो शिंजो। और जाली दो। तुम रहने दो शिंजो। अब मैं इन्हें खेल खेल कर दिखाता हूँ, देखना मेरा कमाल। तुम सिर्फ गिनते जाओ। बहुत अच्छी हथौड़ी। लोग तो सिर्फ एक ही अंदाज में पकड़ते होंगे, लेकिन मैं अलग अलग अंदाज में पकड़ कर दिखाता हूँ। निंग 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 निंग।
ठीक है, एक सीट का कितना? 10 रुपए। युमिको तुम्हें क्या चाहिए? सोचने दो, मुझे वो हार चाहिए। ठीक है। बताओ युमिको, इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? हमारा हार के लिए शुक्रिया, अब मुझे वो टेडी बेयर चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी टेडी बेयर ला के देता हूँ। युमिको, क्या तुम्हें ये पसंद आया? युमिको, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें एक खास चीज देता हूँ। ये लो। ये सिलसिला ही खत्म करता हूँ। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, समझे? मुझ जैसे निंजा को कभी चुना की मत लेना। अभी तो समझ गया, अब तो अभी तो लूट गया। युमिको तुम खुश हो ना, हमने कितने सारे तोहफे जीते हैं। चलो हम उस दुकान पर चलते हैं। आओ आओ बच्चों, आ जाओ, ये तोहफे तुम लोगों ने जीते हैं। हाँ। माफ करना बच्चों, मेरी दुकान बंद है। दुकान बंद है या आप डर गए? ये तो गई, अब मेरा यहाँ क्या काम? मैं भी साथ आ रहा हूँ, तुम पकड़ो हथौड़ी। शिंजो तुम इसे संभालो। अरे अरे, बच्चे की जान लोगे क्या? मुझे भी पालकी में हाथ देना है। निंग, निंग, निंग। तुम चिंता मत करो, मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। 2 मिनट में आता हूँ? झूठ बोल रहे हैं ना? क्या कहते हैं? केनिची। हाँ सर, आप? आज मुझे एक बहुत जरूरी काम है, बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। तुम क्या घर जा रहे हो? हाँ घर जा रहा हूँ। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। बस कपड़े बदल कर तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। ले 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 ले। कोई बात तो जरूर है, तभी तो सर घर आ रहे हैं। नहीं नहीं, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या कोई परेशानी है, मुझे बताओ। अब मेरे सर घर आने वाले हैं। डरना कैसा? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो वो शिकायत करने घर आ रहे हैं? केनिची, मैंने गलती से उनके मुंह पर कुशन मार दिया, फिर एक बार उनके सर पर डस्टर गिर गया था। 2 बातें तो हैं। तो वो इन बातों की शिकायत करने घर आ रहे हैं? हाँ हो भी सकता है। अगर उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बात की तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत नाराज होंगे। हाँ तब तो सच में मेरी खैर नहीं। हथौड़ी हथौड़ी कुछ करो ना, मुझे प्लीज बचा लो। देखते हैं। आज इतनी जोर शोर से तैयारी क्यों हो रही है? आप भूल गए, आज सर हमारे यहाँ आने वाले हैं। मम्मी, आज हमारे यहाँ कोई आने वाला है? हाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। मम्मी ने भी कहा कि मेहमान आने वाले हैं। हाँ तो इसका मतलब ये है कि सर किसी और काम से आ रहे हैं। पर हमें उनकी बातचीत का पता लगाना होगा। हम उन्हें बहाने से यही रोक लेते हैं और हथौड़ी को घर भेज देते हैं। हथौड़ी जाओ ना तुम। मुझसे हमेशा उल्टे पुल्टे काम करवाते हो। तुम जाओ ना। हाँ ये प्लान ठीक रहेगा। तो केनिची। सर आप बताओ कैसा दिख रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सर रुकिए, आपके पीछे कुछ लगा है। हैं? लगा तो नहीं है, लेकिन मैं लगाने वाला हूँ। ओ ये कैसे लग गया? वाह, घर पे तो ये बिल्कुल साफ था। चलो कोट के बगैर ही जाता हूँ। सर आपके जूते पे कुछ लगा हुआ है। अरे सर ये क्या? मुझे इस कीचड़ में भी अभी गिरना था। आओ गड़बड़ हो गई। आप जल्दी कपड़े उतार दीजिए, हम अभी धो देते हैं। ओ, ओ, बीच बगीचे में मेरे कपड़े लिए कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में धुल जाएंगे। मुझे और कितनी देर यहाँ ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा? जब तक कि कपड़े धुलते नहीं, आप आराम से बैठ जाइए सर। रुको के
हथौड़ी क्या जच रहा है सर के भेस में? हाँ? इसके नीची ने तो मुझे अच्छा फंसाया है। अब मैं इस लड़की से क्या कहूँ? सर, इस तरह चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए ना। हम चलें? ओह हाँ, शायद हमारे सामने ये लोग शर्मा रहे हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनाची है, मैं एक टीचर हूँ। इस लड़की को यहाँ से कैसे भगाऊं? हाँ, मैं अब चिल्लाता हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि ये लड़की चुटकियों में यहाँ से 9:00-11:00 हो जाए। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बड़े मजाकी हो। लो अब कर लो बात। सर, हमारे यहाँ लड़की देखने आए थे। बेचारा हथौड़ी गया काम से, अब वो क्या करेगा? अब तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो देखो वहाँ क्या है। हाँ? माफ कीजिए, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हथौड़ी, तुम यहाँ? सर, यहाँ अपना रिश्ता करने आए हैं, तुम्हारी शिकायत करने नहीं। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? सारा खेल बिगड़ जाएगा। हथौड़ी, मैं इस बिगड़ी हुई बात को बनाने जा रहा हूँ। केनिची, अरे लेकिन तब तक इस लड़की के साथ बात कौन करेगा? चलो, तब तक मैं ही इस खेल को संभालता हूँ। मजा आएगा। क्या आप घूमने फिरने में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो बचपन से ही घूमने का बहुत शौक है। ओ सच्ची? हाँ, हम चाहे तो अभी घूमने चल सकते हैं। क्या कहा? हाँ, इन्हें क्या हो गया? ये तो मर गए। अबू! बेचारी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज तो इन बच्चों ने हद ही कर दी। इतनी अच्छी लड़की चली गई, अब तो मैं बिल्कुल कुंवारा रह जाऊंगा। तुम्हें बड़ों से ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आई? माफ कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमें पता है सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अगर हम आपको उसी लड़की से मिलवा दे तब तो आप हमें माफ कर देंगे, है ना सर? हाँ, अगर मेरा काम हो जाए तो मुझे कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है। हथौड़ी, केनिची, तुम दोनों ने आज सर को बहुत तंग किया है, अब उन्हें खुश करने के लिए जल्दी से कुछ करके दिखाओ। मैं अभी इनका मूड तरोताजा करता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ये पहला रूप है, ये मेरा दूसरा रूप है, ये रूप तो आपको जरूर पसंद आएगा। हथौड़ी, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं देखना, ये सब बंद करो, बंद करो इसे। जो आदमी हवाई लड़की को देखकर मुंह मोड़ ले, उसे तो हर लड़की अपना पति बनाना चाहेगी। बेईमानी का तो खतरा ही नहीं। सर सही मायने में एक बहुत अच्छे इंसान है। डिंग डिंग।